बंगाल में वोटिंग की रफ्तार असम के मामले में थोड़ी सी तेज है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान जगह जगह हिंसा की खबरें आ रही हैं। वहीं सत्ताधारी दल यानी टीएमसी ने चुनाव आयोग की ऐप पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि वो टीएमसी को वोट कर रहे हैं और वीवीपैट दिखा रहा है कि ये बीजेपी को जा रहा है। कारबेटा विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 216 को भी कैप्चर करने की कोशिश बीजेपी के नेताओं की ओर से की जा रही है। वहीं सागौनी में सीपीएम उम्मीदवार सुशांत घोष के साथ भी धक्का मुक्की हुई है। इसके साथ ही मेदिनीपुर में चुनाव से पहले फायरिंग में दो सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गए हैं। वहीं टीएमसी ने आरोप लगाया कि पश्चिम मेदिनीपुर जिले के बूथ नंबर 214, 218 और 219 पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है। रजिस्ट्रेशन डेस्क को भी तोड़ दिया है। वहां मौजूद एक युवती भी घायल हुई है, ऐसा टीएमसी की ओर से दावा किया गया है। बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए केंद्रीय पुलिस बल की 730 कंपनियां तैनात की गई हैं। एक कंपनी में 100 पुलिसकर्मी हैं, यानी बंगाल में पहले चरण के दौरान सुरक्षा की कमान 73,000 पुलिसकर्मियों के हाथों में है। वहीं सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बूथ के पास खाने को टिफिन बांट रही है बीजेपी कार्यकर्ता। साफ तौर पर टीएमसी का आरोप लग रहा है। टीएमसी ने बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भी टैग करते हुए ट्वीट किया है कि कांथी दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि वो टीएमसी को वोट कर रहे हैं और वीवीपैट को दिखा रहा है जो कि बीजेपी को जा रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से इसे देखने की अपील की है। टीएमसी ने पूर्वी मेदिनीपुर के भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के बूथ नंबर 205 और 205 ए पर टीएमसी के वोटर्स को धमकाने का आरोप लगाया है। टीएमसी ने मेदिनीपुर के बूथ नंबर 108 पर भी उम्मीदवारों के लिए डमी स्क्रोल की अनुमति नहीं दिए जाने का आरोप लगाया है। वहीं टीएमसी के नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर अलग अलग जगह गड़बड़ी की शिकायत की है। वहीं ममता सरकार के मंत्री शशि पांचा ने दावा किया है कि भाजपा के कार्यकर्ता बूथ पर मतदाताओं को डरा रहे हैं, डंडे और नुकीले हथियारों से डरा रहे हैं। हालांकि चुनाव में गड़बड़ी शिकायत लेकर टीएमसी के 10 सांसद चुनाव आयोग पहुंच चुके हैं। वहीं सवाल ये उठता है कि जिस तरह बंगाल चुनाव की राजनीति चल रही है, क्या लगता है कौन जीतेगा, टीएमसी या बीजेपी? दोनों पार्टियों में राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। क्या लगता है किसके सिर पर जीत का सरताज होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प हो गया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। नमस्कार।